नमस्कार। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बाद आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के हैं। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो कुछ 8-9 प्रकार में इनको डिवाइड किया गया है। और ट्रिप्स के समझौते क्या हैं, तो ट्रिप्स जो है वो है ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एग्रीमेंट्स हैं ये। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं इसके अनुसार ट्रिप्स के सदस्य देश जितने भी हैं उन सदस्य देशों में बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड निश्चित किए गए हैं जिनको लागू करना इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से भौतिक संपत्ति के लिए आवश्यक और उपयुक्त सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और इसके आधार पर, इसके अनुसार जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो टाइप्स हैं उनको कुछ 9 स्वरूपों में विभाजित किया गया है। पहला है पैटेंट, दूसरा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तीसरा है ट्रेडमार्क, फिर है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, फिर है अनक्लोज्ड इंफॉर्मेशन या ट्रेड सीक्रेट्स, कॉपीराइट, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, प्लांट वैराइटीज एंड फॉर्म राइट, फॉर्मर्स राइट और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इन फॉर्म्स के लिए जो किस तरह के इनमें क्या क्या चीज़ों को समावेश किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो पेटेंट है उसके लिए, मतलब जो राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इन ये जो है जैसे पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये इसके जो एस्पेक्ट्स हैं कि वो उनका जो विच किस चीज़ के लिए वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेटेंट के लिए है नए जो आविष्कार हैं उसके लिए पेटेंट लेना, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए जैसे किसी भी इंडस्ट्रीज़ की डिज़ाइन तैयार की है तो वो किस तरह की होना चाहिए और उसके लिए पेटेंट, उसके लिए हम किस तरह से राइट ले सकते हैं। तो टू डायमेंशनल या 3-डायमेंशनल रूप में किसी भी वस्तु से संबंधित, फिर उसके लिए रंग और उसकी रेखाओं की रचना, उसकी बनावट और उसका नमूना, उसकी शक्ल सूरत, इस तरह के मुख्य लक्षणों को ध्यान में रखा गया है। ट्रेडमार्क के लिए फॉर्म, उत्पादों, सेवाओं योजनाओं के नाम और अन्य ब्रांड के नाम पर। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर किसी भी प्राकृतिक या कृषि संबंधी वस्तु के लक्षण या संकेत जिनसे ये प्रदर्शित या विदित होता है कि या फिर उनको पहचाना जा सके कि वह वस्तु किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है और उस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विशेष लक्षण या गुण उसमें विद्यमान हो। फिर ट्रेड सीक्रेट्स, किसी भी गोपनीय सूचना जिसका आर्थिक मूल्य हो। कॉपीराइट्स, कोई भी ओरिजिनल कार्य जो कला संबंधी हो, आर्टिस्टिक हो या लिटरली हो, साहित्य संबंधी हो या संगीत संबंधी हो या नाटक संबंधी हो, उसके लिए कॉपीराइट्स लिया जा सकता है। लेआउट डिज़ाइन या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इंटीग्रेटेड चिप्स और लेआउट से संबंधित डिज़ाइन इसके अंतर्गत आती हैं। प्लांट वैराइटीज़, पौधों की नई प्रजाति के लिए जेनेटिक रिसोर्सेस। ट्रेडिशनल नॉलेज, स्वदेशी और स्थानीय समुदाय की पिछली पीढ़ियों से संकलित ज्ञान और रीति रिवाजों से संबंधित इन्वेंशंस इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट्स को छोड़ के जितने भी IPR से के इन सभी रूपों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हैं जिसको समय समय पर जिसमें संशोधन होते रहते हैं। ट्रेड सीक्रेट संबंधित अधिकारों के संरक्षण और कानूनों के अंतर्गत इनको विचार किया जाता है। फिर भारत में जो IPR से विभिन्न रूप और उसके संबंधित जो विधान या कानून है उनके अधीन जो संरक्षण का समयकाल है वो इस तरह से है
टेबलेट फॉर्म में ये है कि पैटेंट जो है, पैटेंट एक्ट जो एक्ट बनाए हैं वो कब बनाए गए हैं, तो पैटेंट एक्ट जो है 1970 में, और फिर इसमें संशोधन कुछ किए गए। इसका जो समय है वो प्रारंभ में 20 वर्ष और नियमानुसार उसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब जब हम पेटेंट लेते हैं तो उसको 20 वर्ष के लिए होगा और उसके बाद उसको फिर नियमानुसार बढ़ा दिया जा सकता है आवेदन करने पर। डिज़ाइन एक्ट 1911, न्यू डिज़ाइन एक्ट 2000 में बनाया गया था, और इसको आरंभ में 10 वर्ष और उसको फिर बाद में बढ़ाया जा सकता है। द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958 और न्यू ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसके और इसमें आगे संशोधन किए गए हैं, जिसको प्रत्येक बार 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में ये एक्ट आया था, और इसको आरंभ में 10 वर्ष और उसको बाद में बढ़ाया जा सकता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 में, और लेखक के जीवन काल तथा कलात्मक, साहित्यिक, ड्रामेटिक और गायन संबंधी ओरिजिनल कार्यों के लिए 60 वर्ष तक, और प्रकाशन की तिथि के पश्चात 60 वर्ष तक या अन्य कार्यों के लिए। ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, इससे संबंधित कोई विशेष एक्ट पारित नहीं हुआ है, और इसकी जब विशेष एक्ट ही नहीं है तो इसकी कोई समय सीमा सीमित नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000 में ये एक्ट आया था, और 10 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। इसके बाद जो प्लांट वैराइटीज़ PPV और FR एक्ट 2001, इसमें ट्रीज़ और वीन्स के लिए 18 वर्ष, एक्सटेंट वैराइटीज़ के लिए 15 वर्ष। तो इस तरह से ये कुछ एक्ट हैं जिनको कुछ समय के लिए, जिसके लिए समय सीमा निश्चित है। अब IPR जो संरक्षण प्रदान करने से संबंधित समस्याएं और उनका संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है, तो देश में समय समय पर ऐसे देश में इस समय भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अनुसंधान कार्य की अधिक आवश्यकता और महत्व है, परंतु वहां व्यक्ति की अज्ञानता के कारण IPR के नियमों का लाभ नहीं ले पा रहे, तो शासन की ओर से ज्ञान का विस्तार होना आवश्यक है। इसे IPR के संरक्षण को प्रदान करने संबंधी जो समस्याएं हैं वो इस तरह की है कि उनको संरक्षण हम किस तरह से मिल सके। दूसरा जो है कि इसका उल्लंघन करने से संबंधित मामले जो लगातार बढ़ते हैं, तो उनका निस्तारण करने के लिए कुछ न्यायपालिका संबंधित योग्य और कुशल व्यक्तियों की कमी है, जिसकी पूर्ति होना आवश्यक है। भारत में IPR संबंधी जो प्रोटेक्शन की शुरुआत हुई है, तो वो इस तरह से है कि बौद्धिक संपत्ति नियम धीरे धीरे सदियों से जो विकसित होते आ रहे हैं, ये बौद्धिक संपत्ति का विस्तार उपयोग नियम 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, और 20वीं शताब्दी के अंत तक संसार में व्यापक रूप से ये धारण कर चुका था, और इसका विस्तार अभी और अग्रसर है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम फरवरी 28, 1856 में एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरर्स एक कानून की घोषणा की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए निर्माणकर्ताओं को आविष्कारों के प्रति उत्साहित करना था। एक प्रकार से ये सर्वप्रथम पेटेंट एक्ट का ही एक रूप था, और इस कानून के अंतर्गत सर्वप्रथम एक सिविल इंजीनियर जॉर्ज अल्फ्रेड डी पैनिंग ने 3 मार्च 1856 को अपने एक नए आविष्कार, एन इफिशियंट पंखा पोलिंग मशीन के लिए एक प्रकार से अधिकार की मांग की थी,
जो स्वीकार कर ली गई थी, और भारत में यहीं से बौद्धिक संपदा संरक्षण का अधिकार प्रारंभ यहीं से हुई थी शुरुआत। इसके पश्चात आईपीआर के अलग अलग रूप और प्रकार, जैसे अभी आपको बताया कि पैटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट आदि के लिए कानून बने और इनमें संशोधन भी हुए। डिज़ाइन एक्ट 1911, कॉपीराइट एक्ट 1956, ट्रेड इन मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958 में, और पैटेंट एक्ट 1970 में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड गुड्स एक्ट 1990 में पारित हुआ था। तो इस प्रकार से ये कुछ एक्ट हैं और उनके प्रोटेक्शन की शुरुआत किस तरह से हुई और प्रोटेक्शन उनका किस तरह से किया जा सकता है, उसके प्रोटेक्शन करने संबंधी कुछ समस्याएं हैं, तो वो क्या क्या समस्याएं हैं और उनका प्रोटेक्शन किस तरह से किया जा सकता है। तो ये तो हो गया आईपीआर के एक्ट, और ट्रिप्स का समझौता, इसी से रिलेटेड ट्रिप्स का एग्रीमेंट भी है जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।